जय हिंद दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में एक नया जीरो बैलेंस अकाउंट को ऐड कर दिया गया है जो कि इंस्टा सेव अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप इंस्टा सेव अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो फुली जीरो बैलेंस आपको अकाउंट मिलेगा दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक भी रुपया आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुली जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है। अगर आप ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों ओपन कर सकते हो आप अपने मोबाइल फोन से। साथ ही दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में इंस्टा सेव ये वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 दिन के अंदर अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर भी सेंड कर दिया जाता है और मोबाइल बैंकिंग की भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। सो अगर आप एक इंस्टा सेव अकाउंट ओपन करना चाहते हो, फुली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। एक चीज दोस्तों और हम यहां पर बता दें कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करोगे, एक रुपया आपको मेंटेन तो नहीं रखना है, जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस अकाउंट में आपको एडिशनल फंडिंग जरूर करना होगा। सो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में इंस्टा सेव जीरो बैलेंस अकाउंट हम ऑनलाइन कैसे ओपन करेंगे, कैसे दोस्तों इसकी जो एडिशनल फंडिंग करनी होगी वो कैसे हम ऐड करेंगे, और साथ में दोस्तों हमें फिजिकल डेबिट कार्ड हमारे घर पर कितने दिनों में मिल जाएगा और कौन सा डेबिट कार्ड हमें मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले बैंकिंग से रिलेटेड नए नए अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में इंस्टा सेफ जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आप इस पेज पर विजिट करेंगे, मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब दोस्तों यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा सेविंग अकाउंट, उसके नीचे देखेंगे ओपन नाउ। अब यहां पर दोस्तों ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको 20,000 रुपये एडिशनल फंडिंग करनी है, 10,000 रुपये मेंटेन करके रखने, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आगे आपको अकाउंट सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इसलिए। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर का सेक्शन मिल जाएगा, तो जिस मोबाइल नंबर से आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर दोस्तों इस कॉलम में आप फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर को जैसे दोस्तों फिल कर देंगे, इसके बाद में आपको देख सकते हैं कि ईमेल आईडी डालने का एक नया सेक्शन ओपन हो गया, नया कॉलम ओपन हो गया है। अब इस कॉलम में दोस्तों आपको ईमेल आईडी को फिल कर देना है। अब जैसे दोस्तों आपने ईमेल आईडी को फिल कर दिया, एक नेक्स्ट कॉलम ओपन हो गया है। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। यह ध्यान रहे दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको अपना ही पैन नंबर यहां पर फिल कर देना है। तो इस बॉक्स में दोस्तों पैन नंबर फिल करने के बाद में नीचे आपको दोस्तों देख सकते हैं आपको एक कंसेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस बॉक्स पर दोस्तों आपको चेकआउट कर देना है। जैसे दोस्तों इस बॉक्स पर आप चेकआउट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। अब ओटीपी दोस्तों आपको इन कॉलम में फिल कर देना है। ओटीपी दोस्तों जैसे फिल कर देते हैं, नेक्स्ट कॉलम आपके सामने ओपन हो जाएगा ईमेल आईडी का। अब आपने जो ईमेल आईडी को टाइप किया हुआ है उस मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी दोस्तों आपको मेल आईडी वाले कॉलम में आपको फिल कर देना है। और जैसे दोस्तों मेल आईडी को फिल कर देंगे आपका पेज जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे आपको एक आधार नंबर का कॉलम मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप जिस अपने आधार नंबर से अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं वो आधार नंबर इस कॉलम में आपको टाइप कर देना है। नीचे दोस्तों आपको कंसेंट देखने को मिल जाती है, तो आप चाहो इसे कंसेंट को स्क्रॉल डाउन करके आप इसे रीड भी कर सकते हो, ठीक है। रीड करने के बाद में नीचे देखेंगे आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके दोस्तों जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी दोस्तों आपको इन कॉलम में फिल कर देना है। और जैसे दोस्तों आधार वाली ओटीपी है इस बॉक्स में आप फिल कर देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। उसी के नीचे आपको नाम देखने को मिलेगा, साथ ही में दोस्तों मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर मैरिड है या फिर दोस्तों अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, प्लेस ऑफ सिटी का, तो आपकी प्लेस ऑफ सिटी कौन सी है वो दोस्तों आपको यहां पर टाइप कर देना है। ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑक्यूपेशन में आप कौन सा काम करते हैं क्या करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑक्यूपेशन आप टाइप क्या है जैसे एग्रीकल्चर है या फिर दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सेलेक्ट करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो भी हो, किसके अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आता है वो दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में इनकम रेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके इनकम ऑफ रेंज क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके जो डेबिट कार्ड पर नाम है वो आपको नाम देखने को मिल जाएगा। इस कॉलम में दोस्तों आपको फादर नेम फिल करना है, उसके बाद में आपको मदर वाले कॉलम में आपको मदर नेम फिल कर देना है। अब दोस्तों अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो दोस्तों इस बॉक्स पर आप चेकआउट करेंगे और नॉमिनी की डिटेल फिल करेंगे, जैसे आपको रिलेशन नॉमिनी किसकी ऐड कर रहे हो वो सेलेक्ट करेंगे और नॉमिनी को ऐड करेंगे। अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते हो तो इस बॉक्स पर अनचेक कर देंगे और यहां पर अपना फादर नेम मदर नेम को फिल करने के बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू के
के बटन पर क्लिक करेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे पिन कोड भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे देखेंगे आपको सिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो भी सिटी हो अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे दोस्तों दोनों बॉक्स पर पहले से आपको चेकआउट देखने को मिलेगा और डायरेक्ट आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर देख सकते हैं कि वेरीफाई योर डिटेल्स। अब यहां पर अभी तक जो आपने पूरी डिटेल को फिल करा हुआ है सारी डिटेल आपके सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। देन बाद में दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे आप नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाते हैं इस डिजिटल अकाउंट की वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पर दोस्तों आपको इस पर क्लिक रहने देना है और यहां पर आई एक्सेप्ट ऑल वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दोस्तों प्लीज वेट देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर दोस्तों बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। अब वो ओटीपी दोस्तों आपको यहां पर 6 कॉलम देखने को मिल रहे हैं, 6 कॉलम में आपको अपने ओटीपी को फिल कर देना जो आपके मोबाइल नंबर पर गई है। इसके बाद में दोस्तों वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जैसे दोस्तों वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं एक पेज नया रिडायरेक्ट हो गया, जहां पर आपको दो अकाउंट देखने को मिल रहे हैं जो हमने अभी आपको बताया था। तो यहां पर दोस्तों पहला अकाउंट आपको देखने को मिलता है, आपको जीरो मंथली एवरेज बैलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों फुल जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलेगा। यहां पर हमने आपको बताया था ना कि आपको फुल जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा अगर ये वाला आप अकाउंट ओपन करते हो, तो यहां पर आपको एक रुपया मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको शुरुआत में यह भी बताया था कि आपको एडिशनल फंडिंग करनी होगी, ये नहीं बताया था कितनी एडिशनल करनी। तो यहां पर नीचे दोस्तों देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट आपको ऐड करना होगा 95,000 रुपए। अब ये हमारी ये समझ में नहीं आ रहा जो आईसीआईसीआई बैंक में ये वाला जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो किस हिसाब से हमें जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर हमें एक रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन एडिशनल फंडिंग हमें 95,000 रुपए की करनी है। अब हमारे पास अगर दोस्तों 95,000 रुपए होंगे तो हम एक बेस्ट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने अकाउंट को 10,000 रुपए मैनेज कर सकते हैं, 10,000 रुपए मेंटेन करके रख सकते हैं, तो नीचे वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 20,000 रुपए की एडिशनल फंडिंग करनी है खाली, और ऊपर वाले अकाउंट में हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है लेकिन हमें 95,000 रुपए की एडिशनल फंडिंग करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला अकाउंट एक नया ऐड किया गया, तो हमने सोचा हम इस वीडियो के माध्यम से बता दें। सो अगर आप एक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों आप ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ये अकाउंट ओपन सकते हो, 95,000 रुपए की डिजिटल फंडिंग करनी होगी लेकिन आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलता है। अब नीचे वाला चाहो तो दोस्तों आप ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसमें आपको 20,000 रुपए की डिजिटल फंडिंग करनी है और 10,000 रुपए हर महीना आपको मेंटेन करके रखना है। इन दोनों में से जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है वो अकाउंट दोस्तों आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जब आप पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे देख सकते हैं पेमेंट ऐड करने के लिए 3 मेथड आपको मिल जाते हैं। पहला तो दोस्तों आप अपनी यूपीआई हैंडल से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपनी एक नई यूपीआई आईडी को ऐड कर सकते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दोस्तों देखेंगे आपको फ़ोनपे पेटीएम के कॉलम मिल जाएंगे, आप फ़ोनपे पेटीएम के थ्रू इस पेमेंट को ऐड कर सकते हो जो 95,000 रुपये ऐड करने हैं। लेकिन जैसे आप दोस्तों इस अकाउंट को ओपन कर दोगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड आपको बैंक की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये वाला जो ऐसे बैंक में आपको इंस्टा सेव अकाउंट देखने को मिलता है, फुल जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको 95,000 रुपये ऐड करने हैं। सो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया, अगर आप चाहो तो अकाउंट को ओपन कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ओपन कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि इंस्टा सेव अकाउंट आपको 2 तरीके के मिलते हैं, पहले में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, दूसरा आपको जो है मेंटेन करके रखने होते हैं 10,000 रुपए। अकाउंट को ओपन करना ओपन कर सकते हो। सो अगर आपको दोस्तों वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना, मन में कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।